कहाँ उनका घर था? कहाँ घर था? सारण। सारण। डेट ऑफ बर्थ उनका क्या था? डेट ऑफ बर्थ नहीं बता पाया। नहीं नहीं बता पाया। लालू यादव उन्हें कपटी कर्पूरी बोला करते थे। लालू यादव जी और कर्पूरी ठाकुर जी का तुलना आसमान जमीन का अंतर है, कोई मिल नहीं है। कोई मिल नहीं। और नीतीश कुमार जी का अच्छा बिहार, तो बिहार में क्यों नहीं करे? इस पाठ्यक्रम में कर्पूरी ठाकुर जी के बारे में स्कूलों में कॉलेज में क्यों नहीं पढ़ाती है? ये हमें समस्तीपुर में एक लड़का ने पूछा। देखिए ये गिना रहे, इनको दीजिए ना, ये गिना दे रहे हैं। आप नीतीश चालीसा करने लगे। नहीं नहीं नहीं, नीतीश हम नीतीश चालीसा नहीं कर रहे हैं सर। हम यहाँ कर्पूरी ठाकुर जी के बारे में सुनने आए हैं, आप नीतीश चालीसा बस हम बताएं। अरे तो आप क्या बोले? अजी नजरे न होती तो नजारा न होता, कर्पूरी ठाकुर गरीब का बेटा अगर न होते तो अति पिछड़ा का कोई सहारा न होता, कोई सहारा न होता। जो भाजपा रूपी 22 तारीख राम मंदिर का उद्घाटन करने जा रहा है, उसका भी आँख फुल फटा के फटा जा रहा है। चार बता दीजिए, तीन बता दीजिए। एक तो आपको हम बता ही दिए। और बहुत सरल विचार के थे, बात के धनी थे, और ये काम नहीं न हुआ। कर्पूरी ठाकुर जी के बारे में दो मिनट कुछ पूछना था, अगर आपके पास समय होता। हमारे पास समय नहीं, नहीं, हम लोग प्रवक्ताओं से बात ही नहीं करते, नहीं हम लोग आम उससे कार्यकर्ताओं से बात करते हैं। नहीं है, हमको निकलना भी है। नहीं, वो ठीक है। कुछ बताइए कर्पूरी ठाकुर जी के बारे में। जन नायक, जन जन। हाँ वही वही, हाँ जन जन नायक, वही जन नायक है कर्पूरी ठाकुर। कहाँ उनका घर था? कहाँ घर था? सारण। सारण। अच्छा, और डेट ऑफ बर्थ उनका क्या था? डेट ऑफ बर्थ नहीं बता पाया। नहीं नहीं बता पाया। और अभी आप लोग का पार्टी 24 तारीख को कुछ कर रही है, पता है उसके बारे में? 24 जनवरी को शताब्दी समारोह कर रही है। तो वो डेट ऑफ बर्थ है या डेथ बर्थ है? जन्म दिवस हो गया था। तो बताइए, अभी कहते हैं हमको नहीं पता, अभी आप इतना बड़ा प्रोग्राम करवा रहे हैं। चलिए ठीक ठीक, धन्यवाद। कर्पूरी ठाकुर जी के बारे में एक दो बात बोल सकते हैं आप लोग, कोई भी? कर्पूरी ठाकुर जी के बारे में एक बस कुछ, उनके दो चार नीतिगत फैसले जो लिए गए थे, क्योंकि आपकी पार्टी 24 तारीख को इतना बड़ा प्रोग्राम कर रही है, तो हम इस एक्सपेक्टेशन से आए हैं कि आप लोगों को तो पता ही होना चाहिए। पूछिएगा तब ना बता। वही तो क्या पूछ रहा हूँ कि दो चार आप उनके द्वारा लिए गए नीतिगत फैसले कौन कौन से? उनके द्वारा नीतिगत फैसले लिए गए थे, थोड़ा समय इंजीनियर का बहाली किया। इंजीनियर का बहाली किया, देखिए हाँ है तो सही, इंजीनियर का बहाली किया था। हाँ बहुत बड़ा था, गांधी मैदान में इंजीनियर का बहुत बहुत बड़ा कार्य किया। बिल्कुल बिल्कुल, आपने एकदम सही कहा। उसके बाद वो ऐसे थे ही जन के नायक। और कुछ? हाँ बताइए। उनके द्वारा जो है सबसे पहले जो है पूरे बिहार में शराबबंदी कानून लाया गया, उनके द्वारा जो आरक्षण का जो है लाया गया, उन्हीं का देन है कि अति पिछड़ा जो है हर जगह हर चौक चौराहे पर जो है एकदम मजबूती के साथ खड़ा रहता है, और हर पद को सुशोभित करने के काम किए हैं, चाहे वो राजनीतिक हो या प्रशासनिक हो या फिर सामाजिक हो। और उनके द्वारा जो है इंग्लिश जो अनिवार्य विषय था, जो कि गरीब गुरुए के बच्चे लोग जो इंग्लिश को पढ़ नहीं पाते थे, फेल हो जाते थे, जो कि उसको पास होना अनिवार्य रूप से नहीं रखा गया कि बच्चा इंग्लिश में फेल भी हो जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए इंग्लिश में पास होना बाध्यता नहीं रहा। आप भी कुछ बताएं? हाँ हाँ बिल्कुल बताइए ना सर, हम लोग तो जानने के लिए ही आए हैं। जन नायक कर्पूरी ठाकुर जी को कौन नहीं जानता है? नहीं नहीं, काम बताइए। काम तो उनका है कि उनको जो उपाधि मिली गुदड़ी के लाल कहा गया। गरीब घर में तो लालू यादव जी पैदा, उनसे भी ज्यादा गरीब, लालू यादव से भी ज्यादा। लालू यादव के भाई तो यहाँ कर्मचारी भी थे, लेकिन ठाकुर जी के पिताजी दाढ़ी हजामत जजमन का करते थे, उतना गरीब घर में फूस की झोपड़ी थी उनकी। एक डिस्प्यूटेड सवाल पूछे, विवाद वाला सवाल बताइए। कर्पूरी ठाकुर जी ने जितने भी आरक्षण, हालांकि बहुत कम लोग बता रहे हैं ये बात कि 3% आरक्षण उन्होंने महिलाओं को भी दिया था, 3% गरीब सवर्णों को दिया था, है ना, ये सब दिया था उन्होंने, तो उन सारे प्रोविजन को लालू यादव जी जब CM बने तो सब प्रोविजन को ख़त्म कर दिया था उन्होंने। और वो ये भी कहते हैं, बहुत सारे किताबों में जिक्र है, कि लालू यादव उन्हें कपटी कर्पूरी बोला करते थे। लालू यादव जी और कर्पूरी ठाकुर जी का तुलना आसमान जमीन का अंतर है, कोई मिल नहीं है। कोई मिल नहीं। और नीतीश कुमार जी का? वो समय जिस समय
राज्य में पूरे सामंती व्यवस्था था, लालू जी को तो कर्पूरी जी सिखाए हैं उंगली पकड़ के, उनकी तुलना कैसे हो सकती है? न उम्र में हो सकती है, न राजनीतिक फील्ड में हो सकती है। तो उनके शिष्य के रूप में लालू जी हैं, और वो तो राजनीतिक में समाजवादी लीडरों में वो जयप्रकाश नारायण, लोहिया, कर्पूरी, उस ग्रेड के आदमी हैं, कैसे तुलना आप कर देंगे? हाँ, वर्तमान में हमारे नेता नीतीश कुमार शत प्रतिशत उनके सोच को इस धरातल पर लाया है, आदरणीय नेता नीतीश कुमार। अगर कर्पूरी जी की तुलना अगर नीतीश जी से हो, तो आप देखें गरीबों के यहाँ जाके आप गली नली बिजली की व्यवस्था, आज गरीब के बच्चा जिसके लिए नीतीश कर्पूरी जी सोचते थे, वो उसका बच्चा जब पंखा का हवा खा रहा है आज। अच्छा, हमको ये बताइए, सब लोग जो है वो गोल गोल कहानी सब सुना देते हैं कि गरीबों के मसीहा ये वो, कोई नीतिगत बहुत कम आपने बताया है, दो तीन बताया है, लेकिन उसकी जानकारी लोगों की बहुत कम है। चाहे वो जदयू जाइए, चाहे वो आरजेडी के ऑफिस जाइए, चाहे वो बीजेपी के ऑफिस जाइए, सब समान रूप से हैं कर्पूरी ठाकुर जी के बारे में जानकारी, नीतिगत फैसलों के जानकारी के बारे में सब समान एक जगह पे हैं। ऐसा क्यों है? दलितों को उन्होंने राइफल, अपनी सुरक्षा के लिए बंदूक और राइफल देने का भी उन्होंने व्यवस्था किया था। ऐसी बात थोड़ू है, जहाँ हमारे सामंती लोग गरीब दलित दबे कुचले लोगों पर जब हमला करता था, तो उसके लिए बंदूक उंदूक भी देने का काम किए थे कर्पूरी जी, अनुसूचित जाति लोगों के अपनी सुरक्षा के लिए। नीतिगत उनकी बहुत है, पढ़ाई के बारे में लॉट लगा के इंजीनियर गांधी मैदान में जो लंबे समय से वैकेंसी नहीं हुआ था उसकी बहाली की, अंग्रेजी अनिवार्यता ख़त्म करके उसको ऑप्शनल सब्जेक्ट में डाला, ताकि जो हम लोग हिंदी वगैरह ज़्यादा हमारे बच्चे पढ़ने वाले थे, हमारा कल्चर के साथ नीचे स्तर के थे, तो उन लोगों को बहुत लाभ हुआ। ऐसा थोड़ू है। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ कि बहुत कम लोगों को और बहुत कम चीज़ें पता है। आज आपकी उम्र कितनी होगी सर? 35 उम्र है, और जितना धारा प्रवाह से इन्होंने फिंगर पॉइंट पे बता दिया ये काम ये काम ये काम, हमें कोई जो उनके दौर में जिंदा होंगे कर्पूरी ठाकुर जी के दौर में, वो भी नहीं बता पा रहे हैं। हमारा कहना ऐसा कुछ नहीं है, हमारा जो है माननीय भगवान स्वरूप हमारे कर्पूरी ठाकुर जी के लिए केंद्र सरकार से मांग है कि हर हाल में इनको जो है भारत रत्न से सुशोभित किया जाए। अच्छा, एक चीज़ और आपको पता है, जननायक सब लोग, हम लोग बोलते हैं उनको, आप लोग बोलते हैं, लेकिन भारत सरकार ऑफिशियली जननायक किसे कहती है ये पता है? जो जिसको टैग मिला हुआ है, भारत सरकार ने ऑफिशियली आधिकारिक तौर पर एक व्यक्ति को जननायक का खिताब दिया है, ये पता है किसको दिया गया है? तो कर्पूरी जी को दिया गया? नहीं ना, किनको दिया गया? चंद्रशेखर जी को दिया गया है। अरे क्या कीजिएगा, हर जगह सब बेमानी, हर जगह लंगी लगता होते क्या आया है और होते रहेगा, उस सब के लिए कोई घबराने की बात नहीं है। चाहे कोई पार्टियां हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, आरजेडी हो, बीजेपी हो, तरह तरह की पार्टियां, माननीय सारे लोग लगे हुए हैं जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के बारे में। हाँ। सबको सम्मानित कर रहे हैं। हाँ। इस दुनिया में नहीं है। हाँ। इसके बावजूद भी सारे लोग उनके स्वागत में लगे हुए हैं, लेकिन उसके बारे में जानने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। बहुत सारे लोग नहीं जान रहे थे, लेकिन आज देख लीजिए ना भाई, केंद्र की बात किया, केंद्र सरकार तो सतेलापन व्यवहार हर जगह कर रहा है। अच्छा, बिहार में क्यों नहीं करे? पाठ्यक्रम में कर्पूरी ठाकुर जी के बारे में स्कूलों में कॉलेज में क्यों नहीं पढ़ाती है? ये हमें समस्तीपुर में एक लड़का ने पूछा। बिहार सरकार तो माननीय नीतीश बाबू वह कर रहे हैं जो से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के कैटेगरी पर हमारे माननीय जननायक कर्पूरी ठाकुर जी चले, और उस उनके कैटेगरी में माननीय बिहार का नीतीश बाबू चल रहे हैं। जैसे बिहार में नीतीश बाबू चला रहे हैं, ऐसा उस तरह से पूरे देश में कोई बिहार का मुख्यमंत्री नहीं चला सकता। ऐसा काम बता दीजिए जो नीतीश बाबू भी किए हो, वही काम, और वही काम कर्पूरी ठाकुर जी भी किए हो। आप कह रहे हैं ना बार बार वही काम वही भी कर रहे हैं। श्रीमान जी, बिहार की जब पांच काम की बात करते हैं, नहीं बिहार का नहीं, हाँ। वो पांच काम जो कर्पूरी ठाकुर जी भी किए थे या करने का प्रयास किए थे, सबसे पहले तो नीतीश बाबू और कर्पूरी ठाकुर जी भी कहे थे समाज में किस तरह का कहे थे अफवाह, काम की बात है। अफवाह आज जितना हम लोग सुरक्षित हैं अभी, उस तरह से 20 वर्ष पहले नहीं थे। नहीं हुआ। ये काम तो नहीं शिक्षा हुआ। से जुड़े हुए थे ना। देखिए ये गिना रहे, इनको दीजिए ना, ये गिना दे रहे हैं। शराबबंदी कानून जो है
उनके द्वारा लाया गया था, लेकिन पूर्ण रूप से उसका जो है पालन नहीं हो पाया, उसका जो है सपनों का साकार करने का काम माननीय नीतीश कुमार जी ने किया। कर्पूरी जी के द्वारा आरक्षण लाया गया था, लेकिन जो है आरक्षण को जो है अमली जामा पहनाने का काम जो है किया गया माननीय नीतीश कुमार के जगह। उन्हीं का जो देन है कि जो है चूल्हा चौखट करने वाली महिला भी मैंने लाया भी और बढ़ाया भी। जो चूल्हा चौखट करने वाले हैं, जो कभी सपनों भी नहीं सोचे थे कि हम जो है जिला परिषद नगर परिषद के है मैंने कुर्सी को सुशोभित करने का काम करेंगे, लेकिन जो उनके द्वारा सुशोभित करने का काम किया गया, जो माननीय कर्पूरी जी के सपनों का साकार माननीय नीतीश कुमार देकर गया, जो कि माननीय नीतीश कुमार जो है जो कि झोपड़ी से लेके गांव ग्राम से लेके शहर के उस कस्बे उस कोने तक जो है बिजली हो, गली नली हो, शिक्षा हो, छात्रवृत्ति हो, साइकिल योजना हो, कि तो कहा कि जो है हर एक बच्ची और बचिया, हर एक अल्पसंख्यक, हर एक अत्यंत पिछड़ा जो है महादलित हो, हर लोग जो है स्कूल जाए और शिक्षा कट जाएगा। अब नीतीश चालीसा करने लगे। नहीं, नीतीश चालीसा नहीं कर रहे हैं सर, हम यहाँ कर्पूरी ठाकुर जी के बारे में सुनने आए हैं, आप नीतीश चालीसा हम बताएं। अरे तो आप क्या बोले, नीतीश जो है मैंने कि कर्पूरी जी बहुत बढ़िया किया, कर्पूरी जी का जो है बंदी किया तो उन्होंने भी किया था, उसके बाद आप डिरेल हो गए। बताएं आरक्षण जो देखिए जननायक के परछाई के रूप में जो किसी को बिहार में देखा जा रहा है, पूरे भारत में देखा जा रहा है, तो माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार को ही देखा जा रहा है, और बाकी तो उनके नामों का जननायक जी का नामों का गुणगान करते हुए हर लोग आगे बढ़े हैं, चाहे वो रामविलास जी हो माननीय जो स्वर्गीय हो गए, चाहे नीतीश जी हो, चाहे लालू, जो जितने सारे लोग हैं हर जगह देखिए, अभी जो है स्वामी जयंती में हर जगह जो है नीतीश चर्चा कर्पूरी चर्चा भगवान स्वरूप जो हमारे हैं उनका सब किया जा रहा, और उन्हीं का गुणगान करते हुए लोग आगे बढ़ रहे हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। कर्पूरी ठाकुर जी का आप लोग स्वामी जयंती मना रहे हैं 24 तारीख को, कर्पूरी ठाकुर जी के बारे में 5 ऐसी बातें जो आपको बहुत दिल को छू गई हो। देखिए कर्पूरी ठाकुर जी हम लोगों के आदर्श हैं, और हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार भी हैं, वो तो उन्हीं के विचारधारा पर पूरी पार्टी हमारी चल रही है। ठीक है, उनका आज ही हम एक कहानी सुने एक जगह मीटिंग में, हाँ। कि कर्पूरी ठाकुर जी इतने साधारण व्यक्ति थे कि एक अफसर था, वो समस्तीपुर गया था, क्रॉस कर रहा था उनके घर की तरफ से, तो वो बोला कि देखिए वो जो बकरी चरा रही है वो स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी की वाइफ है। तो लोगों को विश्वास नहीं हुआ जो उनके साथ गाड़ी पर बैठे थे, तो लेकिन फिर जा कर के उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हाँ स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी हमारे पति। तो ऐसा सुन करके हम लोगों को भी लगा कि जीवन में कुछ नहीं है, जीवन एक संघर्ष है। उसमें से काम बताइए ना, जैसे आपको अगर नीतीश कुमार के बारे में पूछेंगे तो आप फटाफट बोल दीजिएगा शराबबंदी ये वो, है ना, आप महिला का आरक्षण, पिछड़ों का आरक्षण, अति पिछड़ों का आरक्षण, महादलित, आप फटाफट बता दीजिएगा। ऐसे ही 5 काम हमें कर्पूरी ठाकुर जी का बताइए, 4 बता दीजिए, 3 बता दीजिए। एक तो आपको हम बता ही दिए, और बहुत सरल विचार के थे, बात के धनी थे, और ये काम नहीं हुआ अपने कार्यकर्ता के प्रति, हाँ। काफी उनका स्नेह रहता था, ये उनकी खासियत हुई, ये सब विशेषता थी उनकी। सर से आप थोड़ा सा बात करते हैं, शायद हमें इनसे कुछ पता चले कि कर्पूरी ठाकुर जी के बारे में कुछ ऐसे काम बताइए जो उनके नीतिगत फैसले हों, जैसे नीतीश कुमार जी के बारे में आप बता देते हैं। देखिए मेरा नाम मुन्ना चौधरी हुआ जी, जनता दल यूनाइटेड के सक्रिय और सदस्य हैं, सिंडिकेट मेंबर भी हैं। उनका कार्य किया हुआ है उसके पद चिन्हों पर चलकर नीतीश कुमार भी अग्रसरित है। पहला काम उनका था एजुकेशन में, गरीब गुरबा का बेटा अगर जो पढ़ता था इंग्लिश में फेल कर जाता था, उन्होंने यह लागू किया कि नहीं वह पास माना जाएगा, पहला उनका काम हुआ जी। एक उन्होंने किया जी। दूसरा उनका कार्य है जब 3 टर्म का सीएम रहे, हाँ। इसके बावजूद भी उनका घर झोपड़ी का रहा था। तीसरा कार्य उनका है, इन्होंने अति पिछड़ों का आरक्षण दिया था, हाँ। तब यह भूचाल हो गया था, हाँ। कि यह आरक्षण कहाँ से आया,
तो उसको अगला लाइन भी बता दीजिए ना। मैं उस पर मैं टीका टिप्पणी नहीं करूंगा। यह आरक्षण कहां से आया? अति पिछड़ा का भाग चमकाया। चलिए, नीतीश कुमार जी के पद चिन्हों पर चलकर शराबबंदी कानून का भी इन्होंने विरोध किया था। और ऐसे शराबबंदी कानून का किसने विरोध किया था? शराबबंदी कानून को इन्होंने सपोर्ट किया था। बंदी पर माने जैसे प्रतिबंध जो लगा उसको इन्होंने विरोध नहीं किया, सपोर्ट किया था। बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी ऐसा मिसाल पेश किए 100वीं वर्ष गांठ पर कि यह पूरे बिहार की नहीं भारत के कोने कोने में जो भाजपा रूपी 22 तारीख राम मंदिर का उद्घाटन करने जा रहा है उसका भी आँख फुल फटा के फटा जा रहा है। चन्नायक कर्पूरी जी के चरणों में मैं एक सर समर्पित करना चाहता हूँ कि अजी नजरें न होती तो नज़ारा न होता, अजी नजरें न होती तो नज़ारा न होता, कर्पूरी ठाकुर गरीब का बेटा अगर न होते तो अति पिछड़ा का कोई सहारा न होता, कोई सहारा न होता। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। एक 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 डिस्प्यूटेड सवाल पूछ ले। कर्पूरी ठाकुर जी ने जो आरक्षण दिया, महिलाओं को दिया था, अति पिछड़ों को अलग दिया था, गरीब सवर्णों को दिया था, उन सारे प्रोविजंस को लालू यादव जी जब सरकार आई थी तो हटा दिया था उन्होंने। और उसको लेकर के एक और भी कहा जाता है, कई किताबों में इसका जिक्र भी है कि लालू यादव जी कर्पूरी ठाकुर को कपटी ठाकुर कहते थे। देखिए, मैं विशेष विषयांतर में नहीं जाऊंगा। हाँ। उनको जो उचित बुझाया वो किए थे। अभी हमारे साथ में इस पर मैं टीका टिप्पणी नहीं करूंगा। इसलिए मैंने कहा कि एक डिस्प्यूटेड जरा पूछ ले। इसलिए मैंने पहले ही कहा कि डिस्प्यूटेड हो सकता है वो। आपसे कुछ हो गया? अरे नहीं, दो से देखिए, दो तीन से कुछ नहीं होता। अगर आप हम लोग नहीं बताते कर्पूरी ठाकुर जी के बारे में, हल्का फुल्का जानते हैं लेकिन कौन सा गांव था हो गया सर दोनों। नहीं देखिए, हम लोग वो वाले मूड में नहीं, हम लोग डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं, हम लोग न्यूज चैनल नहीं है। हाँ तो ये है ना कि आपसे। हाँ ठीक ठीक है चलिए।